राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा, रात का टाइम हो रहा है और करीब ना 9 बज रहे हैं। तो रात के टाइम में सोते टाइम बच्चे दूध पीते हैं, और आजकल ना बच्चों की तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, वही सर्दी खांसी नज़ला जुकाम, ऐसे में ना टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो बच्चों ने दूध पीने से बिल्कुल मना कर दिया है। मैंने सोचा बच्चों को दूध तो पिलाना ही है, चलिए कुछ ट्रिक लगाते हैं जिससे कि बच्चे आराम से दूध पी ले और दूध एक दवाई का काम भी करे। तो आज ऐसा ही दूध बना रही हूँ। कुल्हड़ लेके आ गई हूँ मिट्टी की, इसको मैंने आँच पे चढ़ा दिया है अच्छे से गर्म होने के लिए। 10 मिनट मुझे दूध गर्म करने में लगेगी और 10 मिनट में वो अच्छे से गर्म हो जाएगी। चलिए, जितना मुझे यहाँ पे दूध चाहिए था मैंने दूध ले लिया है। वैसे दूध तो मैंने पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था, मतलब जैसे उबाल के रख देते हैं ना दूध, ऐसे रख दिया था। तो उसी में से मैंने इतना दूध ले लिया है, करीब 3 गिलास के जितना। गैस स्टोव पे चढ़ा दिया है और ये अदरक ले लिया है। तो अदरक को हमें पहले तो देख लेना है कि कहीं वो ख़राब वगैरह तो नहीं है, काट के साफ़ करके छेद पीट के इसमें डाल देना है अच्छे से। अब डालेंगे हम यहाँ पर हल्दी। हल्दी बहुत फ़ायदा करती है जब भी सर्दी खांसी या नज़ला जुकाम वगैरह होता है, तो थोड़ी ना कम ही डालिएगा, बच्चे पियेंगे कभी इसमें खड़ांद आए। उसके बाद यहाँ पर हम मीठा डाल देते हैं। मीठा भी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना मीठा पसंद करते हो, दूध में हम तो कम ही मीठा पीते हैं। अब इस दूध को हमें क्या करना है, लगातार चलाते रहना है और इसमें उबाल देते रहना है, और कम से कम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। मतलब दूध है ना वो अच्छे से पक जाना चाहिए, इसमें हल्दी वगैरह की बिल्कुल भी खांसी नहीं आनी चाहिए। चलिए, दूध यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका टेस्ट बढ़ाना है, और टेस्ट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, ये कुल्हड़ आप देख रहे हो ना, बस इसी का इस्तेमाल करना है। मैं ये एक टिफ़िन लेके आ गई हूँ, जल्दबाजी में ना टिफ़िन थोड़ा छोटा आ गया था, मैंने ना इतना ध्यान नहीं करा, मैंने बोला ना रात में 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो चलिए, ये बिल्कुल गरम गरम कुल्हड़ इसके अंदर रख देते हैं और बिल्कुल उबलता हुआ दूध हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए ये किस तरीके से ऊपर को उछल रहा है, बस यही मैजिक है इस दूध में। इसी वजह से ये दूध पीने में ना ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे हम यहाँ पे दूध को डालेंगे ना, देखिए इसमें किस तरीके से उबाल आ रहा है। इससे ना दूध, या फिर आप कुल्हड़ वाली चाय बनाते हो ना, तो इस तरीके से टेस्ट बढ़ जाता है। और जब हम धीरे धीरे करके इसमें दूध को डालते जाएंगे ना, तो ये कुल्हड़ जो है ना ठंडी होती चली जाती है। स्टार्टिंग में जिस तरीके से इसमें उबाल बनता है ना, वो बाद में नहीं बनता है। लेकिन आप टेंशन मत लो, जैसे ये कुल्हड़ रखी हुई है ना दूध के अंदर, और आप देख रहे हैं ना, तो दूध में भी एक तरीके से उबाल आ रहा है, बबल आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि दूध हमारा गैस के ऊपर ही रखा हुआ हो। अच्छा, गैस मैंने बंद कर दी है, जल्दबाजी में ना कितनी बार याद नहीं रहता है गैस को बंद करना, आप मुझे कमेंट करके बोलते हो। मुझे कहीं भी मिट्टी के गिलास नहीं मिल रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जो मिट्टी की कुल्हड़ है ना, मैं इसी में ही सर्व कर देती हूँ। कोई बात नहीं, है तो ये भी मिट्टी की ना। चलिए, सबसे पहले ना ये कान्हा जी का दे दिया है, और उसके बाद मैं बच्चों के लिए भी निकाल देती हूँ दूध। मेरा क्या है, मैं तो गिलास में भी पी लूँगी करके। तो देखिए, हाँ ना, जैसे मैंने कुल्हों के अंदर दूध का मतलब दूध को डाला, तो मुझसे थोड़ा सा दूध बिखर गया है, उसके लिए सॉरी। मतलब मुझसे थोड़ा ना जल्दबाजी में हो गया है, मुझे ये बिखेरना नहीं चाहिए था। तो तैयार है हमारा कुल्हड़ दूध, बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी। ये देखिए, ये जो मेरा बेटा है ना, ये मेरी नकल करता रहता है बंदर, जैसे मैं करती हूँ ना बिल्कुल ऐसे ही करता रहता है। अगर मम्मी थंबनेल क्लिक करो ये ऐसा ना करता रहता है। चलिए, पी के दिखाएगा आपको कैसा लगा। वाकई पीने में बहुत टेस्टी लग रहा था, बच्चों ने मन लगा के पिया।